उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम भी हमारा होगा, 3/4 बहुमत से नगर निगम में कांग्रेस काबिज होगी, बीजेपी ने चुनाव नहीं करवाए। ये पहली दफा हुआ है कि कोई सरकार चुनाव का साहस नहीं करवा पाई। बीजेपी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। शिमला के साथ अन्याय किया गया है। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। कांग्रेस लोकतंत्र की बहाली करवा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि चुनावों से पहले बीजेपी में उथल पुथल मच गई है, चुनावों के बीच अध्यक्ष बदल दिया गया है। बिंदल कह रहे हैं कि उनकी इनिंग नगर निगम चुनावों के बाद शुरू होगी, जिससे साफ है कि बीजेपी की हार चुनावों में साफ है। निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और हम दावे से ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, उसी ढंग से शिमला में कांग्रेस पार्टी का नगर निगम स्थापित होगा। 1 सप्ताह के भीतर भीतर आप वोट पड़ने जा रहे हैं और 3/4 बहुमत के साथ हम शिमला का नगर निगम बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही जो है शिमला में हार मान ली है। उनके नए अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि शिमला उनकी जो है कोई प्राथमिकता नहीं है और वो तो लोकसभा चुनाव के नज़रिए से जो है उनकी नियुक्ति हुई है। तो जाहिर तौर पे उनको पता लग गया है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी निगम बनाने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के साथ तमाम काडर, तमाम नेता जो है यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं और शिमला को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और उसी कड़ी में हम शिमला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, शिमला डीकंजेशन ट्रैफिक सिस्टम जो है, उसके तहत 1546 करोड़ रुपए का रोपवे यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और इस रोपवे में हम 15 स्टेशन बनाने जा रहे हैं। ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में जाएगा, फिर उसके बाद ISBT में जाएगा, टनल पे जाएगा, विक्ट्री टनल पे, रेलवे स्टेशन पे, ओल्ड बस स्टैंड पे, लिफ्ट पॉइंट पे जाएगा, सेक्रेटेरिएट में जाएगा, सुमटी में जाएगा। तो ये सब जगह स्टेशन बनेंगे और इसका हमने विस्तृत अध्ययन भी कर लिया, विश्व विख्यात कंपनियों के साथ जो है हमने उनसे बात भी कर ली, जो रोपवे की दुनिया के चैंपियंस हैं, लाइटनर्स हैं, डोपलमेयर्स हैं, MND हैं या पोमा कंपनी है, उन सारी कंपनीज के साथ हमने बात कर ली। केंद्र सरकार से भी हमने बात कर ली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी हमने बात कर ली, फंडिंग एजेंसी से भी, फॉरेन फंडिंग एजेंसी से भी बात कर ली और ये बातें हमारी लगभग कंप्लीशन पे हैं अब और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं ताकि शिमला में अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल करवाया जा सके। हमें सबसे पहले सारा शिमला जो है हम ई बसेस से लैस कर देंगे। 20 बसेस तो हम इलेक्शन के तत्काल बाद चला रहे हैं, बसेस आ गई हैं लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। 50 बसेस हम दिवाली के आसपास ही बसेस यहाँ पे और जोड़ने जा रहे हैं। 50 बसेस हमारी पहले यहाँ पे चल रही हैं और 24/7 पानी देने के लिए, उसके लिए स्कीम पे हम काम जो है उसको गति दे रहे हैं और 2025 में हम शिमला में 24/7 और यूरोपियन कंट्री की तरह बिस्लरी की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम सीधे नलके का पानी लोग पी सकेंगे। मुकेश ने कहा कि गारंटीज को पूरा करना कांग्रेस का राजधर्म है। कांग्रेस ने OPS बहाल किया, बीजेपी की अटल सरकार ने पेंशन का अधिकार छीना, राज्यों को विवश किया,
सभी गारंटीज का हिसाब देकर ही कांग्रेस 2027 के चुनावों में उतरेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तीसरी बार हारेगी। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।